जालौन कोतवाली पुलिस एसओजी व सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के अंदर युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती के पिता ने युवक की हत्या की थी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मांडरी में 11 मई को गांव के बाहर खेत में एक शव मिला था, जिसकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर देने की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। बता दें कि कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से 48 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त और एक अभियुक्ता को पुलिस ने मैं आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मांडरी गांव में एक युवक की हत्या के मामले में भी आपने खुलासा किया, इसकी हत्या के पीछे की वजह क्या रही है और क्या कारण? जी, ये जो मृतक था, ये अभियुक्त के घर में उसकी लड़की एक है, इसके साथ इसके संबंध थे। इसकी लड़की द्वारा जब इसको फ़ोन पे इसके बात होती थी और इस कारण से ये मृतक अभियुक्त के लड़की के से मिलने के लिए इसके घर गया था। इस दौरान इसके पिता, इस लड़की के पिता की आँख खुल गई। जब इसने दरवाज़ा खुलवाया है तो अंदर ये मृतक कमरे में मिला है इसको। इसी गुस्से में, जो अकस्मात इसको गुस्सा आया है, इसी में इसने पूरी घटना कारित कर ली। इसमें लड़की के माँ की भी कुछ भूमिका सामने आई? लड़की की माँ की भूमिका हत्या तक तो नहीं थी, लेकिन हत्या के बाद जो सबूत मिटाना है और शव को ठिकाने लगाने का जो पूरा प्रयास था, उसमें लड़की की माँ की पूरी सहभागिता थी। घर से खेतों तक शव को कैसे पहुंचाया गया, क्या पूरा प्लान किया गया? जी, हत्या जब कारित कर दी गई है तो इसके पिता ने, लड़की के पिता ने, जो अभियुक्त है राज बहादुर, इसने अपनी पत्नी शिवती को इसमें पूरा शामिल किया। और उसके बाद जो है शिवती द्वारा रास्ता क्लियर किया गया, देखा गया कि कोई रास्ते में है तो नहीं। इसके उपरांत जो है इन्होंने बोरी में शव को भरा है। अभियुक्त द्वारा इसको शव को कंधे पे, बोरी सहित कंधे पे लादा गया है और जहाँ पर इसको फेंका जाना था वहाँ पर जाकर फेंका गया। बरामदगी क्या क्या हुई? बरामदगी में कई सारी चीज़ें हैं, वो बेचने का विषय है। वो